गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है आउटलाइंस के ऊपर। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो द क्वेश्चन इज, आउटलाइंस कैसे सुधारें या परफेक्ट आउटलाइंस कैसे बनाएं। मैं नॉर्मली अपनी ड्राइंग्स के लिए ग्रिड मेथड का यूज करती हूँ, स्पेशली फॉर पोर्ट्रेट्स। एंड मैं फ्री हैंड भी ड्रॉ करना पसंद करती हूँ। बट अगर कोई कमर्शियल आर्टवर्क हो या मुझे पोर्ट्रेट के लिए परफेक्ट आउटलाइन की नीड हो, तो मैं ग्रिड मेथड ही प्रेफर करती हूँ। इस मेथड से मैंने एमसी स्टैन वाली पोर्ट्रेट बनाई है और रेहाना वाली पोर्ट्रेट के लिए भी इसी मेथड का यूज़ किया था। और ये कुछ आर्टवर्क्स हैं जिनको मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है। जिस ड्राइंग में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, उसमें मैं ग्रिड मेथड का यूज करती हूँ। सो अभी मैं ये कांतारा वाली ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं ग्रिड मेथड का यूज करूंगी। नॉर्मली मैं A3 साइज शीट में 3 सेंटीमीटर के बॉक्सेस वाली ग्रिड बनाती हूँ। ग्रिड का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे जहाँ जरूरत पड़ती है, मैं डायगनल लाइंस का भी यूज करती हूँ। जैसे हम ग्रिड मेथड में ग्रिड की लाइंस से कनेक्टिविटी बना के ड्रॉ करते हैं, उसी तरह जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, उसमें हम पिक्चर के एलिमेंट्स के साथ एक कनेक्टिविटी बना के ड्रॉ करते हैं। जैसे एक आई का दूसरे आई के साथ कितना डिफरेंस होगा, या फिर आईज का नोज से कितना डिफरेंस रखना है, इस तरह से हम कनेक्टिविटी बना के फ्री हैंड भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे आउटलाइंस बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूट्यूब में अवेलेबल हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। आपको अपनी ड्राइंग में अगर इम्प्रूवमेंट लानी है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मेक श्योर कि आप डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहें। आप प्रैक्टिस के साथ ही अपनी ड्राइंग को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।